हेलो जी नमस्कार सलाम सतरकाल विश यू ऑल अ वेरी वॉम वेलकम टू दिस वंडरफुल सेशन ऑफ आकाश बायजूज नीट यूट्यूब चैनल मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर एक बार फिर से आपके सामने हूं एक और बेहतरीन सेशन लेकर के एक बार स्क्रीन पे नजर डालते हैं जी कौन कौन से राजा बेटा और रानी बेटियां हमारे साथ जुड़ चुके हैं वी हैव अनिकेत अदिति अक्षय चौधरी विशाल अभिषेक सैनी सिद्धार्थ वंडरफुल जी सबका तहे दिल से स्वागत है एक बार आपके प्यारे प्यारे लाइक्स जो है वो आ जाने चाहिए ताकि एक गर्म जोशी का माहौल बन जाए और फिर हम अपना सेशन शुरू कर सकें आज हम कंटिन्यू करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन का नेक्स्ट टॉपिक विच इज ऑन ट्विंस हमेशा से एक जिज्ञासा रही है इंसानों में यह जानने की कि कि किस प्रकार से ट्विंस होते हैं भई आपने न केवल ट्विंस बल्कि ट्रिपलेट्स के बारे में भी सुना होगा क्वाड्रुपलेट्स के बारे में भी सुना होगा तो आज के सेशन में हम बहुत सारी बेहतरीन बातें पढ़ने वाले हैं मैं चाहूंगा चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ ये सेशन शेयर कर दीजिए एंड लाइक जरूर कीजिएगा कहते हैं विद्या बांटने से बढ़ती है तो अच्छी शिक्षा पे सबका अधिकार होना चाहिए ज्योति निर्मल अनिकेत कैसे हैं जी आप सब लोग ग्रेट वंडरफुल तो फिर सेशन शुरू करते हैं जी आज का बिना किसी देरी के बिना किसी विलंब के अनु ओवेश खान चंदा दिव्यांश राज ग्रेट ऑल ऑल फ्यूचर डॉक्टर्स राजा बेटा एंड रानी बेटियां इनामुल हक चंदा ग्रेट आज कुछ नए नाम भी मुझे नजर आ रहे हैं बड़ी खुशी हो रही है मुझे ये देख करके एक बात मैं आपको और बता दूं कि आज हम सेशन जो है लेक्चर नंबर इलेवन कवर कर रहे हैं That means, पहले दस लेक्चर्स हमारे हो चुके हैं तो वो लेक्चर्स अवेलेबल हैं जी ऑलरेडी यूट्यूब पे आप हमारे चैनल का प्लेलिस्ट एक्सप्लोर कीजिए और वो सभी जो ऑलरेडी सेशंस अवेलेबल हैं वो भी देखिएगा एक बार मैं आपको आकाश बाइज नीट की टीम से मिलवा देना चाहता हूँ आप इस समय दिख पा रहे हैं आपके ऑल टाइम फेवरेट पुष्पेंदू सर है जोलॉजी में इसके अलावा विवेक सर है केमिस्ट्री में एंड डॉक्टर पंकुरी मिगलानी हु इज वन ऑफ दाइनेस्ट एंड रिफाइंड एक्सपर्ट्स ऑफ बॉटनी देन यू कैन सी अनुश्री मैम ऑल्सो जो फिजिक्स में आपकी हैं, आपकी गाइड हैं, आपकी सारथी हैं इस जर्नी में Okay? Well, जैसा कि मैं अपने हर सेशन की शुरुआत एक प्यारी सी कोटेशन के साथ करता हूं तो आज मेरे पास क्या है जी आप में से ही किसी ने मुझे ये बेहतरीन सी कोटेशन भेजी है इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं बल्कि हौसलों की जरूरत होती है तो आपके अंदर वो हौसला वो शिद्दत अपनी मंजिल को पाने की वो चाहत होनी चाहिए खुद ब खुद आप इतिहास को रच देंगे खुद ब खुद आप अपने आप हिस्ट्री को क्रिएट कर देंगे मेरी गुड विशेष हैं जी आपके उज्जवल भविष्य के लिए एक और बेहतरीन बात बताना चाहूंगा ऑल इंडिया लेवल पे एक बेहतरीन मॉक टेस्ट आकाश बाईजूज नीट के द्वारा कंडक्ट कराया जा रहा है तीन जुलाई को और दस जुलाई को ये डेट ये तारीख अपने जहन में नोट कर लीजिए तीन जुलाई और दस जुलाई को आपके लिए हम लेकर के आ रहे हैं ऑल इंडिया लेवल का ये बेहतरीन मॉक टेस्ट इज इंडिया लार्जेस्ट मॉक टेस्ट बेस्ड ऑन नीट ट्वेंटी ट्वेंटी टू पैटर्न क्वेश्चन डिजाइन किए गए हैं आकाश भाईजोस की एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा आपको इसमें अपना प्रोजेक्टेड ऑल इंडिया रैंक भी पता चलेगा किस प्रकार से रजिस्टर करना है जिसके लिए बड़ा ही सिंपल है वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक देखिएगा वहां पे आपको पता चल जाएगा कैसे आपने रजिस्टर करना है एंड इट इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट जरूर दीजिएगा बेटा मैं दिल से यह बात चाहता हूं कि आप सभी इस टेस्ट में अपीयर हो ताकि आपको पता चले कि आपका लेवल ऑफ प्रिपरेशन कैसा है किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इट right? मैं पहले से ही सबको बेस्ट ऑफ लक बोल देता हूं जी इस बेहतरीन टेस्ट के लिए आकाश बाईजूस की ये बेहतरीन ऐप आप, आप अपने एंड्रॉयड फोन या आईफोन में जरूर इंस्टॉल कर लीजिए इसमें हम आपको देते हैं चौदह दिन का यानी दो हफ्ते का फ्री ट्रायल बेहतरीन वीडियोस बेहतरीन एनिमेशन वंडरफुल डायग्राम्स ब्यूटिफुल क्वेश्चन तो एक बार आप जरूर एक्सपीरियंस कीजिए मी आपको प्यार हो जाएगा इस ऐप से राइट right जी चलिए एक वार्म हो चुका है और मैं आपको यह भी कहना चाहूंगा कि आप चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए एंड हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर भी जरूर जुड़ जाइए रोहित चंदा कैसे हैं जी आप सब लोग तो आई थिंक अब हम शुरू कर सकते हैं जी रोहित सुमित विनोद जया पटेल आपके प्यारे प्यारे लाइक्स आते रहने चाहिए आज मेरे पास इतनी सारी जिप्स हैं इतने सारे छोटे छोटे वीडियोस हैं आपको दिखाने के लिए कि ये सेशन में आपको बहुत मजा आने वाला है ट्विंस अः आपके स्कूल में आपके परिवार में या आपके पड़ोस में आपकी रिश्तेदारी में भी ऐसे बच्चे हो सकते हैं सुमित अदिति अलकिया खान जो कि हूं हमेशा से एक क्यूरसिटी रहती है ना ट्विन्स के बारे में जानने की कि भाई क्या दोनों का बिहेवियर एक जैसा होगा आ, क्या दोनों के इंटरेस्ट भी एक जैसे होंगे क्या ट्विंस के फिंगरप्रिंट्स मैच करते हैं बताइए मुझे क्या आइडेंटिकल ट्विंस के फिंगरप्रिंट्स मैच करते हैं रितु तिवारी अक्षय चौधरी अनिकेत विष्णु ज्योति बताओ जल्दी से क्या आइडेंटिकल ट्विन्स के फिंगर मैच करते हैं बताओ मेरे बच्चे नो no. मेजोरिटी बच्चे कह रहे हैं नो no. कुछ बच्चे कह रहे हैं यस yes. अच्छा अच्छा चलो जी इस बात को ना एक क्यूरियोसिटी की तरह रखते हैं एक सस्पेंस बना के चलते हैं और फिर मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी बातें हैं जो आइडेंटिकल ट्विन में भी डिफर कर जाती हैं वेल well, ट्विन को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं भाई ट्विंस आर टू ऑफ स्प्रिंग्स प्रोड्यूसड द सेम प्रेगनेंसी एक ही प्रेगनेंसी में जब दो बच्चे होंगे तो हम उन्हें ट्विंस कहेंगे वो आइडेंटिकल भी हो सकते हैं वो फ्रेटर्नल ट्विंस भी हो सकते हैं हमने ये पढ़ा है जर्नली एक रिप्रोडक्टिव साइकिल में एक में एक ही ओवा या एक ही रिलीज होता है लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है एक ही ओवरी से दो ओवा रिलीज हो जाए या एक ओवा राइट ओवरी से एक ओवा लेफ्ट ओवरी से भी रिलीज हो सकता है नो से ओवा है ना uh, नायरा राजपूत कह रही है सर मेरे बड़े ब्रो हैं दैट्स वंडरफुल नायरा ग्रेट ग्रेट सुनिए मेरी बात ध्यान से जब मैं ओवा वर्ड यूज करता हूं दैट इज जस्ट फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द लैंग्वेज आप जानते हैं कि एक्चुअल में वो सेकेंडरी ऊर होता है जो ओवरी से रिलीज होता है

जिसमें कि दोनों की शक्ल मैच नहीं कर रही या दोनों का जेंडर मैच मैच नहीं कर रहा uh, सचिन हमें कह रहे हैं कि सर मेरी मौसी एंड मेरे मामा जो है वो ट्विंस हैं दैट्स वंडरफुल आपने सही कहा ट्विंस का जिक्र आपने करा है सो so, सुनिए मेरी बात अब ध्यान से आप साथ के साथ नोट्स भी बना सकते हैं ट्विंस दो तरह के होते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विंस एंड डायगोटिक ट्विंस नाम से अंदाजा लग रहा है ना मोनोजाइगोटिक एक ही जायगोट से बनते हैं डायजाइगोटिक दो अलग अलग जायगोट से बनेंगे भाई ऐसा भी कई बार होता है कि आ, एक ओवा रिलीज हुआ एक स्पर्म से फर्टिलाइज हुआ एक जायगोट बना जायगोट में क्लीवेज डिविजन होते हैं गर्भावस्था की एक ऐसी स्थिति आती है जब सेल्स सेपरेट कर जाते हैं ब्लास्टोमियर्स अलग हो जाते हैं तो वो बने तो एक ही से कहलाएंगे सेक्स के ही होंगे या तो वो दोनों मेल्स होंगे या वो दोनों फीमेल्स होंगी लेकिन रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कंडीशन में ऐसा भी हो जाता है मोनोजाइगोटिक ट्विन में भी कि एक मेल और एक फीमेल दैट इज स्ट्रेंज है ना इलाही राइट right जी चलो मोनोजाइगोटिक और डायजाइगोटिक को हम कैसे परिभाषित करते हैं कैसे डिफाइन करते हैं मोनोजाइगोटिक दे डेवलप फ्रॉम वन जाइगोट विच स्प्लिट्स एंड फॉर्म टू एम्ब्रियोस एक जाइगोट जब क्लीवेज डिविजन हो रहे हैं टू सेल स्टेज फोर सेल्ड स्टेज और मान लो वो अलग हो गए सेल्स है ना

Each each twin develops from a separate egg, and each egg and is fertilized by its own sperm cell. अच्छा कई बच्चे समझ लेते हैं कि भाई अगर एक ओवा को दो स्पर्म फर्टिलाइज कर देंगे तो वह डायटिक ट्विन होंगे नहीं ऐसा कभी नहीं हो सकता एक एग सेल को कभी भी दो स्पर्म फर्टिलाइज नहीं कर सकते हैं ये तो पॉलीस्पर्मी हो जाएगी मैंने आपको फर्टिलाइजेशन पढ़ाते समय यह बात बताई थी इलाही बेटा थैंक यू सो so मच फर्टिलाइजेशन पढ़ाते समय यह बात बताई थी कि पॉलिस ह्यूमंस में संभव नहीं है क्लियर है जी जीवन ज्योति जया पटेल राइट तो मोनोजाइगोटिक और डायजाइगोटिक में अंतर आपको समझ आ गया डायजाइगोटिक मतलब दो जायगोट अब आप यहां पे भी देख लीजिए गौर से देखिए स्क्रीन पे मोनोजाइगोटिक में आप देख पा रहे हैं कि एक जाइगोट में जब क्लीवेज होती हैं तो वो दो डॉटर सेल्स में डिवाइड कर जाता है और में गौर से देखिए दो ओवा दिख रहे हैं ओवरी से रिलीज हुए दो अलग अलग ओवा और दो अलग अलग, अलग स्पम आप देख पा रहे हैं ये एग सेल जो रिलीज हुआ छोटा सा फेलोपियन ट्यूब के फिम्बरे से पकड़ने की कोशिश करेंगी और फेलोपियन ट्यूब में पहुंच के एम्पोला रीजन में ये दो अलग अलग स्पर्म से फर्टिलाइज हो जाएंगे अनुवर्मा क्लियर है विनोद कपूर वांडरफुल जी नाउ डायजैगोटिक ट्विंस को ही बेटा फ्रेटर्नल ट्विंस भी कहते हैं मोनोजाइगोटिक को आइडेंटिकल ट्विंस कहते हैं डायजाइगोटिक को फ्रेटर्नल ट्विंस कहते हैं फ्रेटर्नल ट्विंस जो है दे आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम इंडिपेंडेंट रिलीज ऑफ टू सेकेंडरी ऊसाइड्स

सेम एज के दो जाए बने थे समय पे बने थेगा जेनेटिकली देर डिसर राइट जेनेटिकली एक दूसरे से अलग है हालांकि उम्र सेम है मदर का यूट्राइन एनवायरमेंट भी सेम मिला है जेनेटिकली वो डिसमिलर होंगे डाय जैगोटिक ट्विन मे और मे नॉट बी ऑफ द सेम सेक्स भाई हो सकता है दोनों मेल्स हो, हो सकता है दोनों फीमेल्स हो, हो सकता है एक मेल हो और एक फीमेल हो अंकित बेटा आप जो क्वेरी कर रहे हैं आप ये टेलीग्राम पे हमसे जुड़ के पूछ सकते हैं आकाश बाईजूस का एप इंस्टॉल कीजिए आप अपने फोन में आपको सारी जानकारी वहां पर मिल जाएगी ठीक है रूही देशमुख आगे बढ़े मोनोजाइगोटिक ट्विन का दूसरा नाम

सेल स्टेज है उसके बाद फोर सेल स्टेज आ जाएगी अब मान लीजिए किसी कारणवश ये फोर स्टेज में दो डॉटर सेल अलग और दो अलग है ना तो एक ही था अब ये बन गए ट्विंस रेयर केसेस में ये भी हो जाता है कि चार सेल्स अलग हो जाए क्वाड्रुप्लेट्स चारों आइडेंटिकल इट इज वेरी रेयर मिलियंस में कोई केस ऐसा हो सकता है विशाल अदिति नैना सिराज क्लियर है जी क्वाड्रुप्लेट्स भी बन सकते हैं ह्यूमन में और वो चारों आइडेंटिकल हों होता है पर रेयर होता है ऐसा सेपरेशन दैट अकर्स लेटर देन एट डेज इज लाइकली टू प्रोड्यूस कॉन्ज्वाइंट ट्विंस ये बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है अगर गर्भावस्था के शुरुआत के आठ दिनों में ही जब वो एम्ब्रियो जब वो भ्रूण डेवलप हो रहा है वो अलग अलग हो गए तो तो वो अलग हो जाएंगे अगर आठ दिन के बाद ऐसा हुआ सेपरेशन तो संभावना है कि वो कॉन्ज्वाइंट ट्विन्स बनाएंगे यू नो वट आर कॉन्ज्वाइंट ट्विन्स अनिकेत अनु मोहम्मद अली इलाही, बताइए क्या होते हैं? जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं करा है ना मैं चाहूंगा कि आप लाइक like का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा आपके लाइक्स मेरे लिए एनर्जी का, का काम करते हैं ओके वंश नाहिना निशा ऋतिका बताइए जी what are conjoined twins मानस गंगवार ने सही कहा है फिजिकली जॉइंट राइट जिनका शरीर जुड़ा हुआ है मोहम्मद अली आपने भी सही कहा राइट बिल्कुल जी जया तुमने भी सही बोला है राइट सो व्हाट आर कॉन्जॉइंट ट्विंस जो आपस में जुड़े हुए हैं अब आप ये खूबसूरत सी तस्वीरें अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं वन जॉइंट ट्विन्स में क्या अवस्था है क्या सिचुएशन है अ सिचुएशन इन विच द ट्विन्स आर जॉइंट टुगेदर एंड दे शेयर द सेम बॉडी स्ट्रक्चर्स अब वो उनके शरीर का कितना हिस्सा जुड़ा हुआ है क्या उनके सिर जुड़े हुए हैं क्या वो क्रेनियोफेगस ट्विन्स हैं या उनका धड़ जुड़ा हुआ है ये डिपेंड करता है और उन्हें अलग किया जा सकता है या अलग नहीं किया जा सकता ये तो एक्सपर्ट सर्जन्स ही बता सकते हैं उनको थॉरली एग्जामिन करके कि शरीर के कितने स्ट्रक्चर्स उनके कॉमन हैं भाई कई बार ये भी हो सकता है कि आ, दोनों का लिवर आपस में जुड़ा हुआ है कॉमन लिवर है तो भाई बड़ा मुश्किल हो सकता है उन्हें सेपरेट करना है ना इंडिया में भी कई केसेस ऐसे हुए हैं कॉन ट्विंस के मैं आपको सेपरेशन के बारे में भी बताऊंगा कई फेमस केसेस के बारे में अहमद इरशाद क्लियर है बच्चे मजा आ रहा है ना अब आप इधर देखिए आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ये ट्विंस जो कि कॉन्जॉइंट हैं और ये क्रेनियो फेगस से, सिर से जुड़े हुए हैं कितना कठिन हो जाता है जीवन व्यतीत करना ऐसी अवस्था में लेकिन जब इंसान के अंदर जीने की अभिलाषा होती है कुछ कर गुजरने की अभिलाषा होती है तो शायद ये लिमिटेशंस भी नहीं रह जाती हैं राइट रंजू यादव ने पूछा क्या ट्विंस बेबी का डीएनए सेम होता है बेटा इवन आइडेंटिकल ट्विंस में भी एग्जैक्टली कार्बन कॉपी नहीं होती है डीएनए की क्योंकि इंडिविजुअल लेवल पे म्यूटेशन तो होते ही रहते हैं है ना इंडिविजुअल लेवल पे म्यूटेशन होते हैं मान लीजिए दो आइडेंटिकल हैं दो लड़के हैं दो मेल बेबीज हैं जो पैदा हुए हैं जन्म के समय वो दोनों एक जैसे लगेंगे जैसे जैसे समय बीतता जाएगा जैसे जैसे समय बीतता जाएगा आपको उनकी शक्ल में भी अंतर नजर आने लगेगा उनकी हाइट में भी डिफरेंस हो सकता है बिकॉज आप आगे पढ़ेंगे एपीजेनेटिक्स एनवायरमेंट का भी काफी प्रभाव पड़ता है इंडिविजुअल लेवल पे म्यूटेशन होते हैं जिसके कारण कई तरह के अंतर समय के साथ आते हैं मल्टीपल प्रेगनेंसीज आर मच ये बात भी ट है देखिए ह्यूमन यूट्रस कुछ इस तरह से डिजाइंड है कि मल्टीपल प्रेगनेंसी जब भी होगी ना तो मिसकैरेज के चांसेस ज्यादा रहते हैं जैसे जैसे हमें बायपीडल लोकोमोशन इवॉल्व हुआ है क्वाड्रीपीडल लोकोमोशन से यानी चार टांगों से हम सीधे दो टांगों पर खड़े हुए तो द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ऑफ द फीमेल इज फेसिंग डाउनवर्ड्स

टर्म राइट क्लियर है जी वंडरफुल समझ आई बात इतनी मजा आ रहा है बताइए ट्विंस के बारे में इतनी बेहतरीन जानकारी आपको मिल रही है अच्छा लग रहा है ओके okay. अब जिन परिवारों में पहले से ट्विन बेबीज होने की संभावना रही है ज्यादा उनमें आगे भी इस चीज की संभावना पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है दीप आदित्य क्लियर है, है बेटा अनिकेत वुमेन हु हैव अ फैमिली हिस्ट्री ऑफ फ्रेटरनल ट्विन हायर चांसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग फ्रटरनल ट्विंस एज देर इज जेनेटिकली लिंक देखा गया है ऐसा कि कुछ परिवारों में ट्विन होने की संभावना ज्यादा रहती है तानिया क्लियर है जी बच्चे सोबिया राइट right? सोबिया कह रहे हैं कि सर मेरा नाम लीजिए बिल्कुल जी हम आपका नाम लेंगे सचिन बेटा क्लियर है हर्ष

फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स जब आप फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए दवाइयां लेते हैं ऐसी ड्रग्स लेते हैं या आप अपने पेशेंट को ऐसी दवाइयां दे रहे हैं दैट शी प्रोड्यूसेस मोर ओवा इन अ पर्टिकुलर साइकिल तो स्वाभाविक सी बात है वहां ट्विन्स होने की संभावना बढ़ जाती है क्लियर है जी निकिता राइट right? न्यूट्रिशन Nutrition, कुछ न्यूट्रिशनल फैक्टर्स हैं जो प्रभावित करते हैं एंड प्रायर uh, अगर पहले से ऐसी कोई हिस्ट्री रही है ट्विंस होने की तो ये सभी फैक्टर्स प्रभावित करते हैं सम वुमेन इंटेंशनली टर्न टू फर्टिलिटी ड्रग्स इन ऑर्डर टू कंसीव ट्विन्स ये बात जानते हैं आप देखिए किसी परिवार में ये इच्छा भी तो हो सकती है माता पिता की कि भाई जब उनके बच्चे हों तो वो Twins, oh, वो एक ही समय दो बच्चे चाहते हैं तो फिर फर्टिलिटी को एनहेंस करने के लिए मतलब हाइपर ओव्यूलेशन के लिए जो दवाइयां ली जाती हैं ताकि एक ही साइकिल में ज्यादा ओवा प्रोड्यूस हो कुछ लोग अपनी इच्छा के लिए भी ऐसा करते हैं परंतु अंडर गाइडेंस ऑफ अ प्रॉपर फर्टिलिटी एक्सपर्ट वीना इज इट क्लियर टू यू दिव्यांश ना अब आप, आप देखिए यहां पे स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि मदर के यूट्रस में एक ही समय पे दो एम्ब्रियोज डेवलप हुए जो दो बेबीज में आगे डेवलप हो रहे हैं आपको एक इंटरेस्टिंग सी चीज देखने को मिली दोनों का ओरिएंटेशन देखिए एक का सिर नीचे को है एक का ऊपर है तो ट्विंस अपने आप को एडजस्ट इस तरह से कर लेते हैं वोम्ब में कि दोनों को अच्छे से स्पेस मिल जाए राइट रंजू हर्ष क्लियर है जी वंडरफुल अच्छा फ्रेटरनल ट्विन्स कितने तरह के हो सकते हैं जो नॉन आइडेंटिकल हैं या डायजाइगोटिक हैं मैंने बताया था ना भाई या तो दोनों ही फीमेल हैं दोनों ही लड़कियां हैं उनको कहते हैं सोरोरल ट्विन्स 25 प्रतिशत चांसेस रहते हैं इनके दोनों ही मेल्स हों दोनों मेल बेबीज हैं फ्रेटरनल ट्विन्स पच्चीस प्रतिशत चांसेस एक मेल है और एक फीमेल है इसकी संभावना ज्यादा हो जाती है पचास परसेंट केसेस इस चीज के हैं राइट सिजेरियन का मैं आपको बताऊंगा सी सेक्शन जिसे हम कहते हैं देखिए सिजेरियन uh, करने के ना कई कारण हो जाते हैं इवन ट्विंस के केस में भी कई बार हमें सिजेरियन ही करना पड़ता है डिलीवरी हम अवॉइड करते हैं ताकि कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए सिजेरियन में एब्डोमिनल कट इज गिवन और हम डायरेक्टली यूट्रस में कट लगा के वहां से बेबी को डिलीवर कर कराते हैं

मोरूला के सेल्स जब अपने आप को ऐसे अरेंज करते हैं कि एक बाहर की लेयर बन जाती है ये बाहर वाली लेयर को क्या बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट कुछ सेल्स एक कॉर्नर में एक कोने में अंदर चिपक जाते हैं और इसे कहते हैं इनर सेलमास सो इनर सेलमास जिसे एम्ब्रियो ब्लास्ट भी कहते हैं इसी से एक्चुअल एम्ब्रियो बनता है ट्रोफोब्लास्ट हैज नो रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो प्रॉपर Profoblast, it plays role in the formation of placenta and part of extra embryonic membrane so regarding spontaneous or natural monozygotic twinning a recent theory proposes that monozygotic twins are probably formed when a blastocyst containing two inner cell masses each of which will lead to a separate fetus rather than by embryo splitting while hatching from the zona पेलुसिडा जोना पेलुसिडा का जोना हैचिंग क्या होता है ये बात आपको मैं पहले ही बता चुका हूं अपने पिछले सेशंस में जेनेटिक सिमिलैरिटी किस हद तक होती है ट्विंस में मोनोजाइगोटिक जो हैं, जो एक ही जाइगोट से बने हैं दे आर जेनेटिकली नियरली आइडेंटिकल 100 परसेंट नहीं है किसी ने सवाल पूछा था कि क्या डीएनए हंड्रेड सिमिलर होगा हंड्रेड नहीं है इट जी आर जेनेटिकली नियरली आइडेंटिकल एंड दे आर ऑलवेज द सेम अनलेस ऑलवेज मतलब डेवेलपमेंट अगर कहीं ऐसा कुछ म्यूटेशन हो जाए कि भाई वाई क्रोमोज अपने आपको एक्सप्रेस नहीं कर पाया किसी कारण से यू नो वाई क्रोमोजोम इज अ वेरी स्ट्रांगली मेल डिटरमाइनिंग राइट चिल्ड्रन ऑफ मोनोजाइगोटिक ट्वेंस टेस्ट जेनेटिकली एज हाफ सिबलिंग अब आप यहां पर मोनोजाइगोटिक ट्विन देख पा रहे हैं लेकिन थोड़ा सा अंतर आपको इनमें नजर आ रहा होगा इनकी हाइट में राइट अब आप यहां पर देखिए स्क्रीन पे ये दो नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे लाइक्स तो बनते हैं भाई इसके लिए जिन्होंने अभी तक लाइक का बटन नहीं दबाया है ना लाइक का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा का सी, सी साथ साथ। ने कहा क्या कॉन्ज्वाइंट ट्विंस का हार्ट भी एक हो सकता है सी इट इज अ वेरी वेरी रेयर कंडीशन और ऐसी कंडीशन में सर्वाइव कर पाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है विनोद अक्षय रंजू यादव सुमित जांगे सुमित कैसे हैं आप वेल आइडेंटिकल ट्विन डू नॉट द सेम फिंगरप्रिंट्स ये सवाल मैंने पूछा था ना कि अगर कोई आइडेंटिकल ट्विन है भाई बिल्कुल सेम आपको शक्ल सूरत नजर आ रही है तो क्या उनके फिंगरप्रिंट सेम होंगे नहीं होंगे अच्छा अनिकेत ने पूछा सर वाई फिंगरप्रिंट्स आर डिफरेंट ऐसा क्यों फिंगरप्रिंट्स बनते कैसे हैं ये जो हमारी उंगलियों पर निशान है आपको पता है ये कैसे बनते हैं? हाथों की लकीरें जो हैं हथेलियों में ये कैसे बन जाती है सोहम सुनो विद इन दॉम्ब मां के गर्भ में जब बच्चा मौजूद है द फीटस टच डिफरेंट पार्ट्स ऑफ देयर एनवायरमेंट मान लीजिए एक बच्चे का हेड जो है दैट इज टूवर्ड्स द सर्विक्स दूसरे का बटक रीजन इज द सर्विक्स बच्चा मदर के यूटस में अपनी उंगलियों से अलग अलग जगहों को टच भी करेगा संपर्क भी करेगा ये इम्प्रेशन अलग अलग बनेंगे सो विद इन द कन्फाइन ऑफ द वोम्ब द फीटसेस टच डिफरेंट पार्ट ऑफ देयर एनवायरमेंट गिविंग राइज टू स्मॉल वेरिएशन इन देयर कॉरस्पॉन्डिंग प्रिंट्स एंड दैट मेक्स द फिंगर यूनिक क्लियर है जी अच्छा आपको ये बात भी पता है हुसैन विनोद कि जो आपके भी फिंगरप्रिंट्स हैं दस साल पहले फिंगरप्रिंट्स लीजिए और अब लीजिए उसमें अंतर आ चुका होगा समय के साथ साथ भी फिंगरप्रिंट्स बदलते हैं हमारी उंगलियां भी घिसती हैं हमारी स्किन भी घिसती है एजिंग भी होती है सो अनिकेत समय के साथ साथ जो है बेटा फिंगरप्रिंट्स बदलते हैं एक इंसान में भी आप अपने भी फिंगरप्रिंट्स इस चीज के लिए चेक कर सकते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विंस जो है दे ऑल दो दे आर जेनेटिकली वेरी सिमिलर बट जो उनमें फिंगरप्रिंट्स uh, है ना वो अलग होंगे उसके अलावा भी कई डिफरेंसेस हो जाते हैं अनदर कॉज ऑफ डिफरेंस बिटवीन मोनोजाइगोटिक ट्विंस इज एपीजेनेटिक मॉडिफिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट एपीजेनेटिक मॉडिफिकेशन बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो जीन्स के एक्सप्रेशन को रेगुलेट करते हैं and these are caused by differing environmental influences throughout their life. मान लीजिए दो identical twins जो है वो पैदा हुए एक ही घर में है same तरह का माहौल मिल रहा है एक का interest football में हो सकता है एक का interest cricket में हो सकता है है ना तो ऐसा नहीं है कि जेनेटिकली सिमिलर है तो इंटरेस्ट भी एक जैसे होंगे एक थोड़े विनम्र स्वभाव का हो सकता है एक थोड़ा हो सकता है एक इंट्रोवर्ट हो सकता है एक, एक एक्सट्रोवर्ट हो सकता है किसी को साइंस पसंद हो सकती है किसी को आर्ट्स के सब्जेक्ट पसंद हो सकते हैं तो आप ये मत सोचिएगा कि ट्विन की पसंद नापसंद भी एक होगी आपने कई बार कुछ हॉलीवुड बॉलीवुड मूवीज में देखा होगा कि एक ट्विन को आप मार रहे हैं उसे चोट लग रही है तो दूसरे को भी दर्द हो रहा है ऐसा नहीं होता है

पैरासिटिक भी होते हैं थैंक यू सो मच रानी कह रही है कि सर ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है आस्था कटियार आज आप थोड़ा सा लेट हैं क्लास में कोई बात नहीं जो छूट गया है पीछे का उसे एक बार लेक्चर ओवर हो जाए आप रिवर्स करके देख सकते हैं दोबारा राइट दीप आदित्य ग्रेट दीप आदित्य कह रहे हैं सर आपने हमें एक स्टोरी सुनाई थी रिलेटेड टू पार्चुरेशन यस मैंने अपने पिछले सेशन में आपको बताई थी कि पार्च्य को लेकर के हिंदू माइथोलॉजी में जो स्टोरी है जो बच्चे पीछे का सेशन नहीं देख पाए हैं आप चैनल का प्लेलिस्ट देखिएगा सारे वीडियोस अवेलेबल हैं मुखर्जी आगे बढ़ते हैं वैनिशिंग क्या होते है? वैनिशिंग का मतलब होता है, खत्म हो जाना डिसअपियर हो जाना फीटस इन्टीजे प्रेगनेसी मल्टीजेशन एक से ज्यादा जब भ्रूण जब एम्ब्रिय प्रेजेंट है क्लियर है जी <laughs> रंजू थैंक यू सो मच फीचर्स इन अ प्रेगनेंसी इन एंड देन पार्शियली और कंप्लीटली एब्सॉर्ब मान लीजिए तीन बच्चे हैं यूट्रस में ट्रिपलेट्स हैं और किन्हीं कारणों से एक एम्ब्रियो की एक फीटस की मां के गर्भ में ही यूट्रस में ही मृत्यु हो जाती है बहुत इनिशियल स्टेजेस में और ऐसा हो जाता है कि वो वहीं पे रिजॉर्व हो जाए खत्म हो जाए इन सम इंस्टेंसेस द डेड ट्विन इज कंप्रेस्ड इन टू अट पार्चमेंट लाइक स्टेट नोन एज फीटसेशइट हालांकि ये आप चीजें आगे हायर क्लासेज में पढ़ेंगे जब आप एमबीबीएस में गाइनी एंड ऑप्स पढ़ेंगे या फिजियोलॉजी बहुत डिटेल में पढ़ेंगे वहां पर आपको यह बात बताई जाएगी क्लियर है जी राइट चलो पैरासिटिक ट्विन दैट इज ऑल्सो एन इंटरेस्टिंग टर्म क्या एक ट्विन दूसरे पर पैरासाइट हो सकता है यस yes, ऐसा भी होता है इट अकर्स वेन अ ट्विन एम्ब्रियो बिगिन डेवेलपिंग इन यूट्रो बट द पेयर डज नॉट फुली सेपरेट एंड वन एम्ब्रियो रिमेन्स डोमिनेंट और उसकी डेवेलपमेंट जो है दूसरे के एक्सपेंस पे हो रही है एक ट्विन जो है वो तो बड़े अच्छे से भरा पूरा ठीक ठाक ग्रो कर रहा है लेकिन दूसरा नहीं कर पा रहा कई बार आपने ये भी सुना है, फीटस इन फीटू एक फीटस के अंदर भी फीटस ग्रो कर सकता है और ऐसा बच्चा जब पैदा हो तो शायद हम ये बात ना उस समय डायग्नोज कर पाए ना पता चले धीरे 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 उम्र बढ़ती रही मान लो कि वो 20 साल का हो गया और तब कभी जा कर के हमने अल्ट्रासाउंड करा स्कैनिंग करा और हमें पता चला कि भाई इस इंसान के शरीर के अंदर तो एक आ, लंप है एक मांस का टुकड़ा है ऐसे मान लीजिए जो कि उसका ट्विन ब्रदर या ट्विन सिस्टर रहा हो जब वो स्वयं अपनी माँ के गर्भ में डेवलप हो रहा था तो उसके साथ वो ट्विन जुड़ गया था क्लियर है जी राइट right. चलिए आगे बढ़े इधर देखिए खूबसूरत सी स्लाइड और जब भी मैं ऐसे करूं इट मीन दैट यू हैव टू लाइक द सेशन यू हैव टू शेयर द सेशन मैं जरा थोड़ा सा गले की तरावट के लिए पानी पी लेता हूं तब तक आप देखिए ये ह्यूमन प्रेग्नेंसी जिसमें आपको ट्विंस दिखाए गए हैं थैंक यू सो मच इलाही जया बेटा ट्विन में और क्लोन्स में बहुत अंतर है क्लोनिंग इज समथिंग एंटायरली डिफरेंट क्लोनिंग का कंसेप्ट मैं आगे आपको बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ाऊंगा लेट्स स्टडी मोर अबाउट कॉन ज्वाइंट ट्विंस जो कि आपस में जुड़े होते हैं कॉन ज्वाइंट ट्विन क्या होते हैं ऐसे मोनोजाइगोटिक ट्विंस, जिनके शरीर आपस में जुड़े हैं गर्भावस्था के समय दिन पे ऐसा हो रहा है कि उस समय भ्रूण में जितने भी सेल्स थे अगर वो सेपरेट होने की कोशिश करते हैं तो वो पूरी तरह से अलग नहीं हो पाते किसी ना किसी जगह से वो जुड़े हुए आपस में रह जाएंगे उन्हें हम कहते हैं, जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे हैं अब पे देखिए, इंसान एक और उसके सिर दो नजर आ रहे हैं आपको दो अलग अलग दिमाग जो अलग अलग चीजें सोचते हैं जिनकी अलग अलग चाहते अलग अलग इच्छाएं हो सकती हैं अब ऐसी कंडीशन में तो सेपरेट कर पाना कतई संभव नहीं है आप देख पा रहे हैं पूरा शरीर पूरा धड़ एक है परंतु सिर दो हैं मोस्ट कंज़ोइंट ट्विंस आर नाउ इवेलुएशनेड फॉर सर्जरी टू अटेम्प्ट टू सेपरेट देम इनटू सेपरेट फंक्शनल बॉडीज मेडिकल साइंस में बहुत एडवांसमेंट्स हो गए हैं और जैसा कि अभी-अभी हमने देखा कि मुश्किल है जीवन अगर बिल्कुल कॉन्जॉइंट है शरीर मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है इंसान के अंदर जीने का जज्बा जो है वो होना चाहिए थोरेक्स वर्ड हुसैन ने लिखा है बिल्कुल सही कहा है आपने रंजू यादव आप सही कह रहे हैं लाइक बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी बेटा द डिग्री ऑफ डिफिकल्टी राइज इफ अ वाइटल ऑर्गन और स्ट्रक्चर इज शेयर्ड बिटवीन टू ट्विन भाई आप उन्हें सर्जिकली सेपरेट कर सकते हैं या नहीं ये तो डिपेंड करेगा कि कितना हिस्सा शेयर्ड है ऐसा तो नहीं कि ब्रेन एक है या ब्रेन शेयर हो रहा है हार्ट लिवर वाइटल ऑर्गन्स किस प्रकार से शेयर्ड हैं दोनों में ये उस बात पे डिपेंड करेगा अब आप यहां पे स्क्रीन पे स्क्रीन इस समय देख पा रहे हैं एक न्यू बॉर्न बेबी कॉर्ड को काटा जा रहा है इस समय और मैंने बताया था दैट कटिंग ऑफ द कॉर्ड डज नॉट हर्ट मदर और द बेबी बिकॉज कॉर्ड में न्यूरॉन्स नर्व्स नहीं होते अंबिलिकल कॉर्ड हैज अंबिलिकल आर्टरीज

रेशो ऑफ थ्री टू वन ट्विंस के में गया है कि जो बच्चे जिंदा बचते हैं उनमें से फीमेल रेशो अगर हम देखें तो थ्री टू वन है सिंगल uh, कोरियोन है सिंगल प्लेसेंटा है सिंगल एम्बिक सेक है अदरवाइज ट्विंस केस में दो अलग placenta, अलग प्लेसेंटा अलग अलग एम्बिलिकल कॉर्ड होती हैं क्लियर है जी राइट right? योगी आर्य कह रहे हैं सर योर थॉट्स आर अमेजिंग दे मेक द प्रॉब्लम्स इनटू पॉसिबिलिटीज हाँ बिल्कुल सही बात है आप किसी भी समस्या को एक बेहतरीन अपने लिए पॉसिबिलिटी में ढाल सकते हैं ओके okay. देखिए जी एक और सर्जिकल प्रोसीजर आपको नजर आ रहा है इस समय स्क्रीन पे देख पा रहे हैं आप न्यू बॉर्न बेबी कैन यू सी राइट्स आगे जाकर के जब आप एम कर रहे होंगे ना आपको ऑपरेशन थिएटर में ओटी में भी ले जाया जाएगा आपको ऐसे बहुत सारे प्रोसीजर्स जो है वो दिखाए जाएंगे सो हम देशमुख मैं आपको बता दूं कि हम नीट 2022 के लिए भी अपने चैनल पे अलग अलग प्रोग्राम्स चला रहे हैं आप चैनल एक्सप्लोर कीजिए अफसार खान ने कहा सर योर टीचिंग इज माइंड ब्लोइंग थैंक यू सो मच अफसार बेटा ट्विंस आर ट्विनो कॉल्ड सियामीज ट्विंस ये सुनी आपने बात कितने बच्चों ने ये बात सुनी हुई है कि कॉन्जॉइंट को सियामी भी कहते हैं हाउ मेनी ऑफ यू नो दिस थिंग कह रहे हैं सर आप जिस तरह से पढ़ाते हैं एमबीबीएस में, में मेरा मेरा इंटरेस्ट बढ़ गया है यही तो मकसद है केवल एनसीईआरटी में लिखी हुई चंद लाइनें आपको नहीं पढ़ाना है मुझे आपके अंदर छुपी हुई काबिलियत को बाहर निकालना है कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को पता ही नहीं होता कि उनका इंटरेस्ट किस चीज में जब तक उनके दिमाग के कपाट ना खोले जाए जब तक उन्हें वो चीजें दिखाई नहीं जाए सुनिए सियामीज ट्विन्स क्यों कहा जाता है चैंग एंड बंकर 1811 से थाई ब्रदर्स बोर्न इन सियाम सियाम एक जगह है जिसे अब हम थाईलैंड कहते हैं दे ट्रेवल्ड वाइडली फॉर मेनी इयर्स एंड दे वर लेबल्ड ट्विन राइट तो सबसे पहले ये पुराने रिपोर्टेड केसेस हैं और दुनिया भर में ये बहुत मशहूर हुए थे सीएम जगह में इनका जन्म हुआ था टॉर्सो बाय अ बैंड ऑफ फ्लैश कार्टिलेज एंड देअर फ्यूज लिवर्स आप यहां पर इनकी तस्वीर भी देख पा रहे हैं सन अट्ठारह सो ग्यारह से अठारह सो चौहत्तर तक ये जीवित रहे क्लियर है जी भगवती कह रहे सर मेरे गांव की पहली डॉक्टर बनना चाहती हूं मेरी गुड विशेष आपके साथ हैं आपके अंदर जज्बा होना चाहिए आज ही हमने अपने चैनल पे एक बड़ी खूबसूरत सी आ, स्टोरी आपके साथ शेयर करी है डॉक्टर गया शंकर की आप वो वीडियो जरूर देखिएगा राइट जी किस प्रकार से उन्होंने एक छोटे से कस्बे से यूपी के बुंदेलखंड के पास एक छोटे से गांव से उठ करके हिंदी मीडियम के साथ तैयारी करी और ग्यारहवीं बारहवीं में आकर के इंग्लिश मीडियम लिया और एक बेहतरीन रैंक के साथ नीट क्लियर करा और आज दिल्ली के यूसीएमएस यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज में वो अपनी मेडिकल की पढ़ाई पूरी कर रहे हैं ना सी एम जो हम बात बता रहे हैं आपको काफी पुरानी है अगर वो आज के समय में होते इन द मॉडर्न टाइम्स दे कुड हैव बीन इजीली सेपरेटेड है ना अब तो टेक्निक्स बहुत एडवांस हो गई है लेकिन उस जमाने में हम 1811 से 1874 की बात कर रहे हैं उस समय यह संभव नहीं था ड्यू टू ब्रदर्स फेम एंड द रेयरिटी ऑफ द कंडीशन अब वो उस समय इतने मशहूर हुए और ये कंडीशन उस समय रेयर होती थी तो हमने सियामीज ट्विंस जो है एक नाम उसके लिए दे दी गया तो इसीलिए एक सिनोनिम की तरह यूज करते हैं सीएमएस ट्विंस को कॉन्ज्वाइंट ट्विंस के लिए आस्था टॉर्सो का मतलब नहीं पता आपको शरीर का इतना हिस्सा राइट ये वाला छाती वाला और उसके आसपास का हिस्सा जो है टॉर्सो रीजन कह देते हैं सुमित मैंने आपको क्लियर करा राइट दिव्यांश ओके जी हाउ कैन वी सेपरेट कॉन्ज्वाइंट ट्विंस क्या हम कॉन्ज्वाइंट ट्विंस को अलग कर सकते हैं सो लेट सी मेडिकल साइंस बहुत एडवांस हो चुकी है सेपरेशन ऑफ कॉन्जॉइंट वेल सर्जिकल टेक्निक्स अवेलेबल हैं सर्जरी टू सेपरेट द रेंज फ्रॉम वेरी इजी टू वेरी डिफिकल्ट डिपेंड करता है शरीर का कितना हिस्सा जुड़ा हुआ है डिपेंडिंग ऑन द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट एंड द इंटरनल पार्ट दैट आर बींग शेयर्ड मोस्ट केसेस ऑफ सेपरेशन आर एक्सट्रीमली रिस्की एंड लाइफ थ्रेटनिंग हाँ, ज्यादातर केसेस में देखा गया है कि भाई आ, मुश्किल हो जाता है सर्जिकल प्रोसीजर्स कॉम्प्लेक्स है इंडिया का ये केस मैं आपको दिखा रहा हूं शायद आप में से बहुत लोगों ने इन दोनों भाइयों को देखा भी हो इंटरनेट पे सोशल मीडिया पे अक्सर इनके वीडियोस तस्वीरें जो है वो देखी जाती हैं सुरभि आप क्या पूछना चाहते हैं बेटा अपना क्वेश्चन रिपीट कीजिए भगवती पांचाल मैं वंस अगेन आपको ढेरों गुड विशेष देता हूं आप अपने मकसद में कामयाब हों ग्रेट शमा अली शमा ने पूछा 11th प्लस ट्वेल्थ बोर्ड प्लस नीट को एक साथ मैनेज कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं शमा क्यों नहीं कर सकते आप इस समय कौन सी क्लास में 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 या में? मानस बेटा डीएनए ऑफ कभी ग्यारह मेंसेंट सिमिलर नहीं होगा इवन कॉन्जॉइंट ट्विंस में भी हंड्रेड परसेंट सिमिलर नहीं हो सकता बच्चे ओके रीसेंट सक्सेसफुल सेपरेशन ऑफ कॉन्जॉइंट ट्विंस इंक्लूड द सेपरेशन ऑफ गंगा एंड जमुना श्रेष्ठ 2001, 2001 सन सन में में ये ये जो है किया गया 2000 घंटे, 97 hours ये सर्जरी चली, Imagine, आप में से कितने लोग हैं जो आगे जाकर के सर्जन बनना चाहते हैं लेक्चर प्लानर किस चीज का आप मांग रहे हैं बेटा मैं आपके साथ हर ट्यूसडे और हर थर्सडे को पांच बजे लाइव होता हूं इसके अलावा फ्राइडेस को हम आपके साथ बेहतरीन मॉक टेस्ट कर रहे हैं वो भी जरूर अटेंड कीजिए आप राइट हेपेटाइटिस के बारे में यहां पे नहीं बेटा जब हम कॉमन ह्यूमन डिजीजेस पढ़ेंगे उसमें हेपेटाइटिस के बारे में बताएंगे 97 सेवन ये सर्जरी चली ऑन द पेयर ऑफ ये सिर में से जुड़े हुए थे एंड सिंगापुर में ये सर्जरी की गई थी द सर्जरी लेफ्ट गंगा विथ ब्रेन डैमेज एंड जमुना वॉज अनएबल टू वॉक मैंने आपसे कहा ना सर्जिकल प्रोसीजियर्स में बहुत सी कॉम्प्लीकेशन भी होती है मुश्किल हो जाता है सेवन ईयर लेटर गंगा श्रेष्ठा डायड एट द मॉडल हॉस्पिटल इन काठमांडू इन जुलाई टू थाउजेंड नाइन एट द एज ऑफ एट ईयर थ्री डेज आफ्टर बींग एडमिटेड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सीवियर चेस्ट इन्फेक्शन सात साल बाद गंगा श्रेष्ठा की मृत्यु हो गई थी अच्छा एक बात और बताना चाहूंगा अक्सर यह देखा गया है कि जब हम ट्विंस को सेपरेट करते हैं ना ट्विंस को यदि एक की मृत्यु हो जाती है तो दूसरे के जीवित रहने के चांसेस थोड़े से थोड़े से कंपैरेटिवली कम हो जाते हैं क्लियर है जी सन दो में टू ट्वेंटी नाइन ईयर ओल्ड वुमेन फ्रॉम ईरान ये केस भी बहुत मशहूर हुआ था इरानियन सिस्टर्स का दैट वाज लेडन एंड ललेह बेजानी वर ज्वाइंट एट द हेड ये भी क्रेनियो थे बट इनके ब्रेन जो अलग थे देवर सर्जिकली सेपरेटेड इन सिंगापुर डिस्पाइट सर्जन वार्निंग दैट द ऑपरेशन कुड बी फेटल टू बोथ और टू वन ऑफ देम

हमने भरसक प्रयत्न करा स्कैनिंग भी हमने सब कुछ कर ली थी पहले लेकिन फिर भी एक ब्लड वेसल एक वेन ऐसी रह गई थी जो हमें सर्जरी में नहीं दिखी उस समय जो हमें स्कैन में नहीं दिखी और सर्जरी में ही पता चला द सेपरेशन वॉज कंप्लीटेड बट बोथ वुमेन डाइड वाइल स्टिल इन दर्जरी एन अदर केस लक्ष्मी इंडियन गर्ल बॉर्न इन टू थाउजेंड फाइव इन इन बिहार

A long surgery to to Twins are regularly reported to invent languages of their own, unintelligible to others. जो ट्विन्स होते हैं उनकी अपनी एक भाषा होती है वो बच्चे इतना क्लोजली कनेक्टेड होते दूसरे से कि वो एक दूसरे की भाषा को समझ पाते जो आप नहीं समझ पाएंगे right? Idioglossia. बात, right? So आज हमने ट्विन्स के बारे में बहुत सारी बेहतरीन बातें जानी कुछ बातें आपको पता रही होंगी और कुछ बातें आई एम श्योर आपको नहीं भी पता होंगी सेशन आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए और